हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ बोर्ड ऑफिस। ये है कचहरी से चौराहा और ये है बोर्ड ऑफिस का रास्ता। रोड में वाराणसी में जो बोर्ड ऑफिस है उसको दिखाती हूँ। ये है बोर्ड ऑफिस के बाहर का और ये मैं बोर्ड ऑफिस के अंदर खड़ी हूँ बिल्डिंग के बाहर। ये सब बोर्ड ऑफिस का ही एरिया है। हम हैं, सचिन हैं और छोटे मामा हैं हमारे। और ये सरकारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं बनारस में। क्या हमें लगता है कि भारत में सरकारी जगह। और यहाँ पे बोर्ड से रिलेटेड सारे काम होते हैं, जैसे जिसका स्कूल होता है वो रिजल्ट सब कुछ यहीं पे मिलता है, बनता है। तो यहाँ से जाता है स्कूल में, फिर स्कूल से बढ़ता है, तो यहीं बोर्ड ऑफिस ही कहते हैं। और सचिन का रिजल्ट 10 के मार्कशीट में उसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उसी को बनवाने के लिए मैं गई थी। तो ये है बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। हाँ, पेंट वेंट है, सब अच्छा है, बट नीचे जो घास वूस है वो थोड़ा सा साफ़ नहीं है। ठीक है, ये अंदर है। अंदर वीडियो बनाना मना था तो मैंने चोरी से थोड़ा सा बना लिया है, फिर मैं आ जाती हूँ। कैंट वो लोग मुझे छोड़ कर चले जाते हैं। ये है कैंट स्टेशन बनारस का। तो ये है बनारस कैंट, आपने नाम सुना होगा। और लोग यहाँ के होंगे तो वो यहाँ देखे भी होंगे, और लोग आए होंगे तो देखे होंगे। यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगता है कि हर जगह लिफ्ट है, जैसे कि अगर कोई चल नहीं पा रहा है, उसे दिक्कत है चलने में, तो वो लिफ्ट से जा सकता है, कोई इशू नहीं है। और ये बहुत अच्छा जगह है बनारस। आप लोगों को अगर आना हो तो बनारस आकर घूमिए, बहुत अच्छी जगह है बनारस में घूमने लायक। घाटों का शहर भी कहते हैं, यहाँ पे 84 घाट है। और इसे मुक्ति का केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद घाट ऐसे घाट हैं जो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। और यह है इलेक्ट्रिक सीढ़ी जिससे मैं नीचे जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं इससे चल कर जाती तो इससे ज़्यादा जल्दी पहुँच जाती। सो बच्चे हैं, देखिए कितने खुशी से आते हैं इलेक्ट्रिक वाले पे चढ़ने के लिए। पता है, कुछ समय पहले तो मुझे इस पे चढ़ने में बहुत डर लगता था, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, बट अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे कि रेलवे स्टेशन के बाहर कितनी गंदगी होती है, तो यहाँ पे भी है। और ये ऐसा नहीं कि ये बनारस में ही है, ये सब जगह हमें लगता है कि होता है। और बनारस में सबसे बड़ी घड़ी जो है वो कैंट पे ही है। और मैं इस वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश की हूँ, मैं थोड़ा सा दूर जाकर नहीं ले पाई हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम दिखेगा, बट आप लोगों को दिख जाएगा इसमें बनारस की सबसे बड़ी घड़ी। यहाँ पे दो भाषाओं में लिखा हुआ है वाराणसी, एक तो हिंदी और एक उर्दू में। आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो हिंदी है, दूसरा उर्दू है। बहुत अच्छा है व्यू, बहुत अच्छा है। नाइट में व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है। कभी मुझे नाइट में जाने का मौका मिलेगा तो मैं नाइट का भी वीडियो बनाऊंगी। आप बस ऐसे ही वीडियो को मेरे प्यार देते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ओरिजिनल साउंड भी रहने दूंगी, क्योंकि ओरिजिनल साउंड से क्या होता है कि थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। सो यहाँ पर देखिए, ये सबसे बड़ी घड़ी है बनारस की। बाद मैंने तिरंगा दिखाया ही होगा, कैंट स्टेशन के बाहर तिरंगा फहरता है, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है वो तिरंगा। और तिरंगा तो हमारे देश की शान है भाई, वो अच्छे या बुरे क्या। बाहर है, यहाँ पे ऑटो स्टैंड है। सब लोग पूछ रहे थे कहाँ जाना है कहाँ जाना है, तो मुझे रोहनिया जाना था। रोहनिया से थोड़ा सा आगे मेरा घर है, तो मैं अधिकांशतः रोहनिया ही बता करके जाती हूँ, जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो बस मैंने रोहनिया का नाम ले लिया। यहाँ से कॉलोनी है और नहीं कॉलोनी था अंदर, नहीं नहीं आगे वाराणसी लिखा होगा, आई लव। इसके बाद ये सामने जो है ये सब कॉलोनी का ही हिस्सा है, और ये ऑटो स्टैंड है, आई लव वाराणसी लिखा है। ये बहुत प्यारा लगता है, हर एक जगह लिखा मिल जाता है। तो यहाँ से ऑटो स्टैंड है,
यहाँ पे से आपको सभी जगह जाने के लिए आपको मिलेगा, आपको बनारस में कहीं भी जाना होगा यहाँ से ऑटो मिलेगा आपको मिल जाएगा। और इसके उस कार से हमको ऑटो मिलेगा हमारे घर जाने के लिए, जो दुकानें हैं जो पहले नहीं बना था तो उनके लिए बहुत समस्या होती थी, जब से पुल बन गया है उनकी दुकानें लगाने के लिए बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे से उनकी दुकानें लग जाती हैं। और एक खास बात बताऊँ आपको, यहाँ पे जितने पिलर बने हैं उसमें भारतीय संस्कृति को दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, आप अगर एक एक पिलर को देखेंगे तो उस पर हर एक एक ऐसी चीज़ बनी है जो आप लोग हमारी संस्कृति को दर्शाती है, तो बहुत अच्छा लगता है ये हमारी संस्कृति को ऐसे देख करके, क्योंकि बिखरी हुई मिलती है और हर जगह मिलती है, बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। पहले मैं यहाँ पर हमेशा आती थी क्योंकि मेरा कॉलेज यहीं पर होता था, लेकिन अब नहीं आ पाती क्योंकि मैं वहाँ नहीं पढ़ती। तो खैर, आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, बनारस के ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जितना से जितना हो सके उतना प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, बहुत हर्ट होता है जब आप लोग छोड़ कर जाते हैं तो, क्योंकि आप लोग एक फैमिली बन चुके हैं और आपसे लगाव हो चुका है, तो आप लोग अगर जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को